यह है रतलाम का बहुत ही फेमस स्नैक्स लतनामी सेव, जो घर पे भी बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें ज़्यादा कुछ सामान भी हमें नहीं चाहिए होता है, किचन का जो बेसिक सामान होता है उसी से इसको तैयार किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कांतास रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं रतलामी सेव बनाना। रतलामी सेव बनाने के लिए हमें लेना है एक बड़ा बर्तन, उसके ऊपर रखेंगे एक छलनी, क्योंकि हमें बेसन को छानना है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 कप बेसन, जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं घर पे बेसन वही है। उसको अच्छे से छान लेंगे ताकि किसी तरह के लम्स वगैरह इसके अंदर ना रहे। बेसन की कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं तो उसको छान लेना चाहिए, तो जो भी चीज़ हम बनाते हैं उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है। इसको अच्छे से छान लेंगे। रेसिपी में यूज़ ऑन ऑल इन्ग्रीडियंट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। बेसन को हमने छान लिया है अच्छे से। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून है लाल मिर्च का पाउडर, और ये है 2 या 3 पिंच जितना बेकिंग सोडा, जो खाने का मीठा सोडा होता है वो, और यहाँ पर ये है 1/4 टीस्पून जितना हींग, और ये है 1 चम्मच अजवाइन। ये सारी सामग्री हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर ये मैंने लिया है 2 टीस्पून जितना काली मिर्च और 6 से 7 लौंग। इसका हमें मिक्सी में पीस के पाउडर बनाना है। ये पाउडर हमने तैयार कर लिया है इसका, ये भी इसके अंदर डाल देंगे और पहले इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसके अंदर मैं अब ऐड कर रही हूँ 1/4 कप जितना ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले लें, लेकिन जो फ्लेवर वाला होता है वो वाला ना लें। अब इसके अंदर डालेंगे पानी आवश्यकता अनुसार और एकदम स्मूथ डो बना लेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। ये डो हमने लगा लिया है और आप देख सकते हैं इसी तरह की कंसिस्टेंसी का डो हमने लगाना है, क्योंकि डो इतना स्मूथ होगा, सॉफ्ट होगा, तभी हमारी जो सेव है बहुत बढ़िया बनेगी और सॉफ्ट बनेगी। इसे रख देंगे अब 10 मिनट के लिए एक तरफ। और यहाँ पर मैंने लिया है सेव मेकर, इसके अंदर इस तरह की जो जाली आती है वो हम लगाकर बनाएंगे सेव। अगर आपके पास ये ना हो तो इस तरह का जो फ्राइंग का जारा होता है घर में हम रखते हैं नॉर्मली, इससे आप बना सकते हैं। इससे भी बड़ी आसानी से इससे सेव बन जाएगी। इससे पहले मैंने काठियावाड़ी गांठिया की रेसिपी शेयर की है, आप चाहें तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और ये डो हमारा तैयार हो गया है, जाली भी हमने लगा ली है सेव मेकर में, और ये डो जो है अब हम सेव मेकर के अंदर फिल कर लेंगे। इससे सेव बहुत बढ़िया बनकर तैयार होगी। यहाँ पर मैंने ऑयल रखा है गर्म होने के लिए, इसमें थोड़ा सा आटा डालकर हम चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं आटा एकदम से ऊपर आ रहा है, ऑयल जो है वो तैयार है फ्राइंग के लिए। अब हम वो सेव मेकर लेकर इस तरह से धीरे धीरे इसके अंदर डाल देंगे सेव। गैस की आंच जो है हाई टू मीडियम रखेंगे। इसका आज हमें कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना है, इसलिए हमको सिर्फ इसको 1 या 1.5 मिनट के लिए तलना है। और आप देख सकते हैं ये एकदम से ऊपर भी आ गया है। इससे ज़्यादा हमें इसको कुक नहीं करना है, इसको पलट कर अब दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। सेम इसी तरह से हमें इसको 1-1.5 मिनट के लिए ही तलना है। ये हो गया है, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनकर तैयार हो गई है। सेव बनाने का दूसरा तरीका जारे के साथ हम बनाएंगे। जिनके पास सेव मेकर नहीं है वो इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने हाथों पे थोड़ा ऑयल लगा लेंगे और डो ले लेंगे और इस तरह से रब करते हुए सेव निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं इस तरह से भी बहुत आसानी से सेव निकल जाती है। रतलामी सेव जो होती है बहुत ही मसालेदार बनती है, इसमें थोड़ा मसाला तेज रहता है, लेकिन आप चाहें तो अपनी पसंद से मसाला कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इसमें। ये भी हो गई है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। रतलामी सेव बनकर तैयार हो गई है और आपने देखा कितनी आसानी से और बहुत ही कम टाइम में हमने इसको बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ही आसानी से और इजीली ये घर पे बन जाती है। बाज़ार से हमें कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें यूज़ होने वाले सारे इन्ग्रीडियंट हमारे किचन में अवेलेबल रहते हैं और आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और बढ़िया बनकर तैयार हुई है।
रतलामी सेव जो होती है बहुत ही मसालेदार होती है। इसको घर पे बनाने का फ़ायदा ये भी है कि आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ट्राई करें इस रेसिपी को, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। कांताज रेसिपी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।